नमस्कार माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल पे फिर से स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सब ने देखा है, बहुत दिनों से सोशल मीडिया पे, फेसबुक पेज पे, न्यूज़ चैनल पे, हर जगह पे चर्चित है अनुचर गैंग्स करप्शन को लेकर। हर कोई गली गली में, घर घर में चर्चा चल रहा है। तो हम लोग ने शुरुआत से लेके आज तक फॉलो करके आया है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस प्रकार का जो करप्शन को लेके आज जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन कर रहा है, हम लोग फॉलो करते आया है। और आज कहीं ना कहीं बहुत सारा अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम का खिलाफ में एलिगेशंस आ रहा है। बहुत सारा ऐसे लोग आया है जिन्होंने खुद को कहते हुए कि एएसी मैंने किया है, मैंने फॉर्म किया है, एएसी टीम का मेन मोटिव क्या है, एएसी का मिशन क्या था, वो सारा ऐसे एक्सपोज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता का ये कन्फ्यूजन है, कहीं ना कहीं जनता पूछता है, हम पब्लिक जानना चाहता है कि एएसी टीम असली में क्या है। इस वक्त जो एएसी टीम है, उनका मिशन, उनका जो इश्यूज, क्या वैलिड है, क्या अरुणाचल जनता के लिए वो इश्यूज है, क्या वो आज जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पे, तो जो आवाज़ बुलंद है आज एसी टीम का, क्या वो जनता का आवाज़ है या जनता के लिए खड़ा है, सवाल ये उठता है। तो आज इस विषय में हम थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। जैसे कि आप सबको पता है, अरुणाचल प्रदेश में करप्शन है, आप सबको पता है, हर कोई जानता है। लेकिन आज ऐसे देखने में मिल रहा है, दिखाई दे रहा है, बहुत ऐसे लोग हैं जो आज करप्शन को डिफेंड करता है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में करप्शन नहीं है, इस तरह का जो सोच रखकर जो सोशल मीडिया में आता है, उनको एक बार सोच लेना चाहिए। सोशल मीडिया में एक बार आने से पहले, कुछ बोलने से पहले, एक बार खुद को देख लेना चाहिए कि जो आप कुछ बोल रहे हैं, जैसे कि करप्शन नहीं है, इस प्रकार का जो आप कहना चाह रहे हैं, क्या वो जनता का भलाई के लिए है, क्या वो जनता का वेलफेयर के लिए आपका जो सोच है, सवाल आपके ऊपर भी उठता है। आज एसी जो करप्शन अगेंस्ट को लेके, करप्शन का जो इश्यूज को लेके जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत 1 महीना हो रहा होगा अभी, उनका आवाज़ को दबाने के लिए भी कोशिश किया जा रहा है। मुझे किसी से लेना देना नहीं है, ना मैं एसी टीम को मैं पहचानता हूँ, ना मैं जानता हूँ, ना मैं पहले उन लोगों को मैं देखा हूँ, ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन मेरा करप्शन से मतलब है, मेरा मुद्दा जो करप्शन से है, जो करप्शन के खिलाफ में कोई भी अगर आवाज़ उठाता है, एएसी टीम को छोड़ के भी अगर कोई आवाज़ उठाता है करप्शन के अगेंस्ट में, तो मैं उसी को ज्वाइन करना चाहूँगा, उसी के साथ मैं जाना चाहूँगा। लेकिन आज कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे कि अरुणाचल में करप्शन नहीं है, इस प्रकार का जो भाषण दे रहा है, इस प्रकार का जो सोशल मीडिया में स्टेटमेंट दे रहा है, वो खुद को एक बार सोच लेना चाहिए। मेरा हिसाब से मैं समझता हूँ, वो इस प्रकार का जो स्टेटमेंट सोशल मीडिया में आके देता है, आप लोग अंधा है या तो आप लोग बहरा है, आप या तो दिखाई नहीं देता होगा या तो आपका कान खराब होता होगा। अगर अरुणाचल में करप्शन नहीं है, तो आपका दरवाजा में, आपका जमीन पे, यानी कि अरुणाचल प्रदेश पे सीबीआई क्या कर रहा है?
इस वक्त। सीबीआई को क्यों बुलाया गया? आप सबको पता है सीबीआई ईटानगर में इस वक्त घूम रहा है। मैंने सुना है सीबीआई तो जहां करप्शन होता है वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है। तो अरुणाचल प्रदेश में कहीं भी अगर सिस्टम सही है, सरकार सही है, कहीं करप्शन नहीं है, तो सीबीआई क्या चीज़ के लिए घूम रहा है? आप सबको पता है रिसेंटली जो एफिशिएंस कमीशन का अंदर में बहुत बड़ा जो पेपर लीकेज का इश्यू बना है, उस इश्यूज अभी भी गर्म है। बहुत लोगों को तकलीफ में डाला है, बहुत लोगों को सेंटिमेंट्स का साथ खेला है, बहुत लोगों का करियर बर्बाद करने में लगा हुआ है कमीशन। तो उस जांच को जो रिसेंटली जो असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्ज़ाम पेपर लीकेज इशू है, उस इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई घूम रहा है। तो क्या ये करप्शन नहीं है? आप लोग कुछ बोलने से पहले, आप लोग मीडिया में आने से पहले अपना जो जनता का सामने आप जो जो भी स्टेटमेंट देता है, आप अपना आपको क्या साबित करना चाहता है? करप्शन नहीं है बोल के क्या जनता को वेलफेयर के लिए आप सोचते हैं? ये सोचने के बाद है, ये हम सबको भी समझना पड़ेगा। कुछ स्टेटमेंट देने से पहले पहले सोच लीजिए। और आपको कभी ये भी पता नहीं होगा कि कल का दिन में कहीं ना कहीं आप भी करप्शन के खिलाफ में आप फाइट लड़ सकता है, आप भी करप्शन के खिलाफ में आवाज़ उठाने के लिए सड़क पे आ सकता है। आज एएसी टीम जो करप्शन का अगेंस्ट में लेकर जो चल रहा है, उनका जगह में आप भी आ सकता है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि जनता क्या आप पर विश्वास करेगा? आपने पहले तो करप्शन नहीं है बोल के इस प्रकार का जो स्टेटमेंट देता था, लेकिन आज के दिन में आप करप्शन के खिलाफ में करप्शन है बोल के आप आवाज़ उठाएगा, क्या जनता आपको साथ देगा उसी समय? इस प्रकार का जो सोच, इस प्रकार का जो आप लोग बिना सोचे समझे स्टेटमेंट देने आता है, आप लोग कभी सोच लेंगे? मैं समझता हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़ा हुआ है, मजबूरी है, मजबूरी होता है। क्योंकि हमने अक्सर बहुत देखा है ऐसे जो ओपोजिशन करते हुए बहुत आवाज़ को बुलंद रखता था, बहुत हिम्मत होता है उनमें, लेकिन बहुत करप्शन के खिलाफ में आवाज़ उठाता है, सच्चाई के लिए बात करता है, लेकिन जब वो इंसान रूलिंग पार्टी में ज्वाइन हो जाता है, रूलिंग पार्टी में ज्वाइन होने के बाद वो सबसे डरपोक वाला इंसान बन जाता है। तो बॉन्डेड होते हैं कहीं ना कहीं, या सरकारी से जुड़ा हुआ जो भी आप कोई भी हो, ये बॉन्डेड होता है कि जो गलत चीज़ को भी कभी कभी हम झूठ बोलना पड़ता है, सच्चाई को भी कभी अनदेखा करना पड़ता है, ये हम पब्लिक जानते हैं, समझते हैं। लेकिन ये कब तक हम करेगा? इस प्रकार का जब हम करते हैं तो ये भी एक जुर्म होता है, ये भी एक क्राइम है। जबकि आप सब कुछ जानते हुए आप अनजान बन रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा एक क्राइम होता है। तो आवाज़ उठाना है, जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, उसी को हम एक्सपोज करना है, उसी के बारे में हम आवाज़ उठाना है। असली में आप समाज के लिए काम करना चाहता है, असली में आप समाज के लिए ही आप जीना चाहता है, तो आपको सच्चाई को आवाज़ उठाने का हिम्मत करना होगा। आज जो एसीसी टीम कर रहे हो, हमने देखा है 10.75 डिमांड से उनमें से, तो उनमें से कहीं भी ऐसे हमको दिखाई नहीं दिया कि सीएम का रिजिग्नेशन होना है बोल के, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आया है। कहीं ना कहीं करप्शन हुआ होगा, कहीं ना कहीं करप्शन से जुड़ा हुआ होगा मुद्दा। अगर आज स्टेट में करप्शन नहीं है, बिल्कुल स्टेट में करप्शन नहीं हुआ है, तो एएसी टीम का जितना भी वहाँ एग्जीक्यूटिव है, उन सभी के खिलाफ में आप कोर्ट में जाइए, उन डिफेमेशन केस कीजिए उन सभी को,
अरुणाचल प्रदेश में करप्शन नहीं है, ये लोग क्यों बेमतलब का बदनाम कर रहे हैं? इस प्रकार का आप डिफेमेशन केस कीजिए, तब पब्लिक हम मानेगा। अभी तो आप जबरदस्ती एलिगेशन लगा रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, काउंटर एलिगेशन, इंडिविजुअल इंडिविजुअल आप लोग एलिगेशन पे एलिगेशन लगा रहे हैं, काउंटर पे काउंटर कर रहे हैं आप लोग। तो पब्लिक तो यहाँ तमाशा देख रहे हैं, आप लोग को ड्रामा देख रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है सरकार क्या करना चाहता है, आप लोग करप्शन को डिफेंड करके क्या दिखाना चाहता है पब्लिक को। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जितना भी एसीसी टीम, जो एसीसी टीम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम जितना भी है, आप लोग भी विजन क्लियर होना है, पब्लिक को कंफ्यूजन में नहीं डालना है। अगर आपका मिशन सक्सेस नहीं होता है, मेरा मतलब अगर पीएमओ की ओर से आप लोग को अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, तो आप लोग क्या करेगा उसका भी आप जनता को बताइए, जनता जानना चाहता है। आप लोग क्लियर कट होना पड़ेगा। आप लोग धरना प्रदर्शन कब तक करेगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर पीएमओ की ओर से आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या उठाने जा रहे हैं? इस चीज़ को भी क्लियर कीजिए जनता को, और आप अपने मुद्दा इश्यूज से हट के आप मत जाइए। ये इंडिविजुअल अटैक आप लोग में कहीं ना कहीं हो रहा है, उस चीज़ को आप लोग छोड़ दीजिए। एक नई सोच के साथ, एक नई टीम के साथ आप लोग आगे बढ़िए। कहीं ना कहीं जनता साथ है आज, कहीं ना कहीं जनता आप सबका ऊपर भी भरोसा है, कि क्योंकि हर कोई जानता है कि अरुणाचल प्रदेश में करप्शन है। ये सिर्फ आज का बात नहीं है, ये बहुत क्रॉनिक है, जो करप्शन का जो इश्यूज है बहुत जमाना से, बहुत सालों से होते आया है, लोग करते आया है। ये सिर्फ बीजेपी रूलिंग गवर्नमेंट का इस वक्त का बात नहीं, ये पेमा खांडू जी सरकार का बात नहीं है। कितना सरकार आया गया, कितना सीएम चेंज हुआ है, ये बहुत ही पुराना जो इश्यूज है करप्शन को लेके। और सरकार को भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो पब्लिक का जो वेलफेयर है उसी में काम करते रहना है। जहाँ सिस्टम कोलैप्स है उस पर ध्यान देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार कभी नहीं चाहता है कि करप्शन हो, ये मैं समझता हूँ। सरकार कभी नहीं ये इंकरेज नहीं करता है कि करप्शन करना है वोटिंग। सरकार डेवलपमेंट के लिए, पैकेज के लिए डेवलपमेंट फंड देता है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, गांव गांव लेवल में, लेकिन सरकार हमें ये भी जानना चाहिए कि सरकार कहाँ तक मॉनिटरिंग करेगा। सरकार तो गली गली घर घर जाके तो चेक नहीं कर सकता है ना करप्शन को। करप्शन को चेक करना हमारा काम होता है, पब्लिक का काम होता है, सरकार का भागीदार बनना हम सबका काम होता है। सिर्फ हम आज सरकार को ब्लेम करके, सिर्फ सरकार का ऊपर ही हम डिपेंड करके, तो करप्शन ख़त्म नहीं होगा। और कोई भी सरकार या कोई भी चीफ मिनिस्टर कभी नहीं सोचेगा, कभी नहीं करेगा कि करप्शन को बढ़ावा देना। हर कोई करप्शन का खिलाफ है, लेकिन कहीं ना कहीं करप्शन जो रूट है उसको हम उखाड़ के फेंकना होगा। तो आज जो एएस टीम जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही होता होगा, और उस मुद्दे को जो पॉलिटिकलाइज जो कर रहा है वो तो सरकार का तरफ से भी हो रहा है, जो पार्टी से जो एफिलिएशन, जो एफिलिएटेड है मेंबर्स होता है, जो स्टेटमेंट देने आता है, आप लोग भी तो पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ तो क्लियर कट पता चलता है ना। थोड़ी देर पहले हमने बोला है कि जो सरकार में है, जो पार्टी से जुड़ा हुआ है, कभी रियलिटी चीज़ को एक्सपोज नहीं करता है और कर नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, क्योंकि डर है कहीं ना कहीं, अपना पोस्ट से डर है, या मैं जिस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दिया गया है वो छिन ना जाए, इस प्रकार का डर पैदा होता है अपना, कोई भी सरकार रूलिंग गवर्नमेंट में होता है।
सरकार जो पब्लिक है जनता है उन करप्शन के खिलाफ में आना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा आवाज, तभी तो करप्शन खत्म होगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मुझे तो ना AAC टीम से लेना देना है, जस्ट उन लोगों ने जो इश्यूज उठाया है करप्शन का मुद्दा को लेके उसी में जाना चाहूँगा। और कोई भी आता है कल का दिन में करप्शन को लेकर, मैं उसी को साथ देने के लिए तैयार हूँ। मुझे तो करप्शन से मतलब है, मुझे करप्शन ख़त्म होना है स्टेट से। इस प्रकार जो करप्शन हमेशा चलते रहेगा, इस प्रकार से जो सिस्टम हमेशा चलते रहेगा, तो कल का जेनरेशन को क्या होगा? हम लोग तो गरीब इंसान हैं, मेरा बाल बच्चा क्या होगा? मेरा बाल बच्चा को तो कभी नौकरी नहीं मिलेगा, कुछ भी सरकार का बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलेगा होगा। इस प्रकार का डर पैदा होता है ना, इसलिए हम सब जनता को एक साथ एकजुट होना पड़ेगा। जब भी कोई भी करप्शन का अगेंस्ट में कोई आवाज़ आता है या कोई मोमेंट चलाता है तो हमें ज्वाइन करना होगा, हमें साथ देना होगा।